दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप डिजी लॉकर का अकाउंट कैसे बनाएंगे और डिजी लॉकर का अकाउंट क्यों बनाना चाहिए, इनसे आपको क्या फायदा होने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि डिजी लॉकर का अकाउंट बनाने से क्या फायदा होगा। तो दोस्तों देखिए, डिजी लॉकर जो भारत सरकार द्वारा एक जो चलाया गया पोर्टल है या फिर कह लो कि वेबसाइट है, जिन वेबसाइट पर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो सभी डॉक्यूमेंट को आप अपलोड करके एक जो अच्छे जगह सेव रख सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप जरूरत आने पे उन सभी डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजी लॉकर का खास बात यह है दोस्तों कि आप डिजी लॉकर की मदद से कई ऐसे सरकारी डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या जाति आय निवास प्रमाण पत्र हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, इसी तरह के कई डॉक्यूमेंट को आप डिजी लॉकर की मदद से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो दोस्तों ये एक फायदा होता है। चलिए मैं अब आपको आगे का प्रक्रिया बताने वाला हूँ कि आप डिजी लॉकर का अकाउंट कैसे बनाएंगे। पूरे प्रक्रिया इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि आप किस तरह से डिजी लॉकर का अकाउंट बनाएंगे। सो इन सब जानकारी के लिए बस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राज हेल्प में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों अगर आप डिजी लॉकर में अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने में दोस्तों सिंपली आप गूगल ओपन कर लीजिए। गूगल ओपन करने में दोस्तों यहाँ पे आपको टाइप करना है डिजी लॉकर। सिंपली आप डिजी लॉकर लिख के सर्च कर दीजिए। सर्च करने में दोस्तों आपको ये पहले वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। बट दोस्तों देखिए, इस पर क्लिक करने से पहले आपको कुछ बेसिक सी जानकारी देना चाहूँगा। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जिस वेबसाइट के आगे .gov.in लिखा रहता है वो गवर्नमेंट की जो से वेबसाइट होते हैं, यानी कि भारत सरकार की वेबसाइट होते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना दोस्तों, ये वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। तो इस पर आप इस तरह से क्लिक कर दीजिए। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप डिजी लॉकर की वेबसाइट पर आ जाएंगे। हालांकि आप में से काफ़ी लोगों को मालूम होगा कि डिजी लॉकर क्या है और इनसे क्या क्या फ़ायदा होता है। तो अगर आपके पास डिजी लॉकर का ऑलरेडी जो सो आईडी पासवर्ड है और आप लॉगिन होना चाहते हैं तो उस बीच तो आपको दोस्तों साइन इन बटन पर क्लिक करना है। लेकिन अगर आपके पास डिजी लॉकर का आईडी पासवर्ड नहीं है और अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए आपको सिंपली साइन अप बटन पर क्लिक करना होगा। तो इस तरह से आप साइन अप बटन पर क्लिक कर दीजिए। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको एक फॉर्म के रूप में आ जाएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपके आधार कार्ड पर जैसा भी नाम होगा वैसा नाम लिख लीजिए इंग्लिश में। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, यानी कि जन्मतिथि। सिंपली आप पहले ईयर पे क्लिक कीजिए, जो भी ईयर में आपका जन्म हुआ है या जो भी ईयर में आपके आधार कार्ड पे दिखाया गया वो ईयर आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। तो मैं इस तरह से दोस्तों यहाँ पे जो सो 2000 सेलेक्ट करूँगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 2000 सेलेक्ट कर लिए। उनके बाद आपको यहाँ पे मंथ पे क्लिक करना है और जो भी मंथ में जन्म हुआ है वो मंथ आपको इस तरह से सेलेक्ट करना है। उनके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यानी कि जो तारीख को जन्म हुआ है वो जो सो आपको यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपना जो सो जेंडर बताना होगा, मेल है फीमेल है या अदर। तो मेल है तो सिंपली मेल पे क्लिक कीजिए, फीमेल है तो फीमेल पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पे दोस्तों आपको 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन। अब सिक्योरिटी पिन इसलिए आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कि जब आप डिजी लॉकर में लॉग इन होंगे उस बीच आपको जो वही आधार नंबर और 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन एंटर करके लॉग इन होना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है और यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर लिखना होगा। ये सब डिटेल भरने के बाद दोस्तों सिंपली आप यहां से सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों इस तरह से मैं सबमिट बटन पे क्लिक कर दूंगा। सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप जो भी यहां पे डिटेल्स भरे हैं उन्हें चेक किया जाएगा। उनके बाद दोस्तों आपके नंबर पे OTP भेजा जाएगा, तो वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो मैं फटाफट से दोस्तों यहाँ पर OTP एंटर कर लेता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पर OTP एंटर कर लिया। OTP एंटर करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको एक यूनिक जो यूजर नेम रखना होगा। उनके बाद सिंपली आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पे एक जो यूनिक यूजर नेम रख लिया, उनके बाद सिंपली आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा रहा है कि योर यूजर नेम विल बी सेंट। जो आपका यूजर आईडी होगा वो आपका जो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपली ओके बटन पे इस तरह से क्लिक कर देना है। ओके बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा कि यूजर नेम सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट कर लेना है और वेट करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से आपके सामने कुछ इस तरह से लोडिंग लिया जाएगा और उनके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो नाम आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए, आपका डिजी लॉकर में अकाउंट बन चुका है। अब चलिए मैं आपको कुछ जो जानकारी देना चाहूँगा कि आप डिजी लॉकर की मदद से क्या क्या डाउनलोड कर सकते हैं।
यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, कोई मार्कशीट है उन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं, उनके बाद दोस्तों आप जो है जाति आय निवास प्रमाण पत्र सब डाउनलोड कर सकते हैं। और इस तरह से आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट जिन्हें जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही दोस्तों आप राशन कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं राशन कार्ड लिखा हुआ है, उनके बाद इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से काफ़ी ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आप डिजी लॉकर की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं। सो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से डिजी लॉकर में अपना जो सो आईडी और पासवर्ड बनाकर आप अपने डॉक्यूमेंट को जो सो सेव रख सकते हैं या फिर कह लो कि आप जो सो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से डिजी लॉकर का आईडी और पासवर्ड बना सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक जानकारी था, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आपके मन में कोई सवाल कोई कन्फ्यूजन या कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं।